हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेटस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, स्व मूल्यांकन की योग्यता। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के जो नहीं है वो है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। ठीक है, ये मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है गुण अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था में। तो ये होती है स्वयं में केंद्रित, होती है 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। तो ये है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहज संबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? तो शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले, ग्रामीण बुद्धि वाले, अध्ययनशील बालक या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? ठीक है, तो आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? तो विकास का संबंध परिपक्वता से है, उसी तरह उद्दीपन का संबंध किससे है? प्रतिक्रिया से है। पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास? तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम? तो इसका आंसर होगा खेल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास? संज्ञानात्मक विकास पियाजे से रिलेटेड है और कोहलबर्ग का रिलेटेड है नैतिक विकास से। ठीक है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? संदर्भगत, अव्यवभूत, सामाजिक, आनुभाविक? तो किसके अतिरिक्त? तो आंसर होगा सामाजिक। ठीक है, सामाजिक के अतिरिक्त जो है बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। थ, फ, च ध्वनियां हैं स्वनिम, रूपिम, लेखिम या शाब्दिम? तो ये ध्वनियां जो है थ, फ, च, ये क्या है? स्वनिम ध्वनियां हैं। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो ये अवस्था जो है वो कौन सी है? 7 से 12 अवस्था, मीन्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 12 ही होती है और अमूर्त होती है 12 वर्ष से अबव, यानी कि 12 से 15 या 12 से वयस्क कह लीजिए। ठीक है, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? तो ये है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, क्या होता है ये? वंशानुक्रम इंटू वातावरण का गुणनफल होता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, संतुलनीकरण या अनुभव? तो इसमें से आंसर होगा सामाजिक संचरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की या सृजनशील बालकों की? तो ये विशेषता किसकी? सृजनशील बालकों की। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, मीन्स पहली चीज मतलब कोई नई चीज सीखी है तो उसका पहली पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग करके प्रयोग किसके समान अर्थ में दिया जाता है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं? तो अभी सारी चिंतन किसकी? उसमें सृजनात्मकता के लिए यूज किया है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है।
जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है? इदम अहम प्रमहम इदम एवं अहम। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो भंडार गृह कौन सा है? इदम। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जातिवाद, आनुवंशिकता, वातावरण या विद्यालय। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। ठीक है। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो लड़कियों में बाह्य परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्दोच्चारण, भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो भाषा विकास के क्रम में जो अंतिम है वो है भाषा विकास की पूर्णावस्था। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से? अक्षर ज्ञान, ज्ञान सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना या उपयुक्त सभी। तो तीनों ही जो है वो भाषा विकास के अंग हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या केली को। तो जीन पियाजे को है वो बाल विकास मनोविज्ञान का जनक माना गया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है जगड़ालु, विनोदी, समायोजित या भीरू। तो संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण कौन सा है? समायोजित। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह एवं प्रेम, वातावरण में समायोजन। तो संवेग शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेमार्क ने अध्ययन किया था, लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था? वंशानुक्रम का। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक कौन सा है? परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल या क्रीड़ा स्थल। तो बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है परिवार। निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है प्रेम, दगा, घृणा, आश्चर्य। तो अवांछनीय संवेग है दगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है सुकरात से, प्लेटो से, डार्विन से या रूसो से। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? डार्विन से है। अब शिक्षा हो गई है शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, मित्र केंद्रित या बाल केंद्रित। तो अब शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था मेंडल ने। ठीक है। बालकों की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है यह कथन किसका है? वीपी सिंह, हार्वर्ड, स्पेंसर, क्रोगमैन या गैसल का। तो ये जो है ये किसने कहा है? क्रोगमैन ने। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्रोगमैन, सोरेंसन, हरलोक या सुकरात। तो मनोवैज्ञानिक जो नहीं है वो है सुकरात। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? वंश परंपरा, वातावरण, दोनों या दोनों ही नहीं। तो दोनों ही जो है वो मानव को प्रभावित करती हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो दोनों ही है गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है शीलर ने, कैम्स ने, पैट्रिक पावलव ने, स्टेनली हॉल ने। तो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पैट्रिक पावलव ने। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करती हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण और खाली समय, तीनों ही। ठीक है। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी, थायमस या पीनियल ग्रंथि। तो आंसर होगा पीनियल ग्रंथि के कारण। ठीक। अगला देखिए, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि या किंडरगार्टन विधि। तो खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है बुद्धि से, स्मृति से, खेल से या फिर पढ़ने से। तो किससे है अतिरिक्त का? खेल से है। ठीक है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, हल या स्कीनर। तो मनोवैज्ञानिक जो नहीं है वो है जॉन डीवी। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वॉल्टर हंटर की, वाटसन की, कार्ल लेथले की या टॉलमैन की। तो ये जो है रचना किसकी है? वाटसन की। नेक्स्ट देखिए, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही जो है ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तीनों ही जो है ये बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैक्षिक दृष्टि से। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? खेल कूद का मैदान। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्लेटो, विलियम हिली, डार्विन या रूसो। तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था विलियम हिली के द्वारा।
किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? जनन ग्रंथियां, एड्रीनल ग्रंथि, गल ग्रंथि या अभिवृक्क ग्रंथि? तो मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है अभिवृक्क ग्रंथि का। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर या अनुकरण पर। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर बल देता है? विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। ओके, तो ये थे सीडीपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50। थैंक यू सो मच।